हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आप लोग वीडियो की स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि मैं कुछ सामान बैग में ले रहा हूँ, मतलब आउटडोर करने वाला हूँ बेसिकली। तो आज जो प्लेस हम चूज़ किए हैं वो है एक हिस्टोरिकल प्लेस। तो ये 1400 से 1500 में ये सब बना था। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मेरे साथ जा रहा है मेरा भैया। तो वीडियो को आगे देखिए, वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। सो फ्रेंड्स, 25 की में हम लोग आ चुके हैं। तो और कुछ ही दूर है जहाँ से हिस्टोरिकल प्लेस स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, बहुत मज़ा आएगा आज। सो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुके हैं एक प्लेस में। तो ये जो मॉस्क्यू है ये 1475 संग में बना था। तो आप लोग देखिए, कुछ सिनेमेटिक शॉट ले रहा हूँ, वो देखिए, एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, वो लोकेशन तो बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ पे मैंने आउटडोर नहीं किया, थोड़ा बहुत घूमा और फोटोशूट किया। अब जा रहे हैं कुछ लोकेशन पे। ये देख सकते हो, ये बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। एक बड़ा सा गेट है। फ्रेंड देख सकते हो, यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लोकेशन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ही आउटडोर कर लेता हूँ, फिर घूमेंगे। तो पहले लोकेशन देख लो, कितना बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, अभी लोकेशन चूज़ करके मैं आउटलाइन शुरू कर चुका हूँ। मैं 4B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ और वाटर कलर से करूँगा, और A3 साइज में है। तो कैसा बनता है देखिए आगे। सुना है उस जमाने में इस प्लेस को कारागर रूप में भी यूज किया जाता था। और भी सुना है इस प्लेस में चामची का मतलब जो बैट होता है ना, वो रहता था। इसलिए इस मॉस्क्यू का नाम चिका मॉस्क्यू भी है। तो एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन ऐसा सुना है। Thank you.
आउटडोर मेरा हिस्टोरिकल प्लेस में फर्स्ट टाइम था, तो कैसा हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और अगर आपको अगर और भी हिस्टोरिकल प्लेस में इसे आउटडोर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। सो फ्रेंड्स, अभी भी टाइम था हमारे पास, इसलिए सोचा कि थोड़ा बहुत और भी घूम लेते हैं। तो सारा एरिया तो कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जितना भी कर पाता हूँ देखते हैं। Silence speaks so loud. सो फ्रेंड्स, हर प्लेस पर नहीं घूम पाया, तो जितना भी हो सके घूमा और आप लोगों को दिखाया। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस टाइप का वीडियो फर्स्ट टाइम था, तो कैसा हुआ ये भी कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।